कोई बात नहीं, तो ऐसा फिजिक्स में बार बार करना पड़ेगा। ओके, वैल्यू तो आ रहा है लेकिन इट इज टेंस टू जीरो, इग्नोर करना होगा आपको। हाँ, और इसी तरीके से एमीटर के बारे में क्या लिखोगे आप? हाँ, यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप, सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस व्हाट वोल्ट मीटर इज टेंस टू जीरो। ओके, इज टेंस टू जीरो। एमीटर में क्या लिखोगे आप? एमीटर है शुड हैव वेरी एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट, so that it may not change the value of electric current in the circuit। समझ में आ रहा है एमीटर को क्यों, एमीटर में लो रेजिस्टेंस क्यों होता होगा? ताकि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो पूरा किससे होके निकल जाए? एमीटर से। तभी तो एमीटर रीडिंग देगा किसकी? करंट। हाँ, तो मीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट flowing in the circuit, okay? ये हो गया। इतना समझेंगे कि जैसे वोल्ट मीटर आपको दिखा रहा है 2 वोल्ट, ओके? वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या आ रहा है? 2 वोल्ट। इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि मीनिंग इसका समझिए पहले 2 वोल्ट का। समझते हो 2 वोल्ट का मीनिंग? फॉर्मूला रखोगे V is equals to W by Q। फटाक से सोचोगे, ध्यान दीजिए जरा, बेसिक्स आप लोग भूल रहे हैं इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ 2 वोल्ट रखोगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कैसे आया होगा 2 जूल पर कूलॉम? तुरंत आप सोचोगे कि 1 कूलॉम का चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता होगा तो उसको ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता होगा? 2 जूल्स का। ओके, 1 कूलॉम का चार्ज का मतलब समझ लो 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स जब पॉइंट ए से बी तक जाते होंगे सर्किट में, तो उनको ऐसा धक्का मार के आगे ले जाने के लिए कितने वर्क डन की जरूरत होती होगी? 2 जूल की। ये उसका मीनिंग है। ओके,